नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल भाई। YouTube के बारे में सबको पता ही है और YouTube के बारे में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो YouTube के ऊपर वीडियो बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी। अभी बहुत लोग यार अपने जो है ना, हिंदुस्तान के लोग बहुत भोले भाले हैं। इनको हमेशा दिखता रहता है यार कि YouTube से बहुत पैसे आते हैं, बहुत फेमस हो गए हैं लोगों को। और रोज हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में करीब 100 YouTube चैनल नए क्रिएट होते हैं, नए तरह के, और सब अब होड़ में लगे हुए हैं कि अपन लोग बड़े हो जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और टाइम बाय टाइम यूट्यूब अपनी भीड़ को कम करने के लिए उस हिसाब से पॉलिसी बनाता रहता है। तो यूट्यूब ने कल रात को एक नई पॉलिसी का ऐलान किया। पॉलिसी का ऐलान क्या किया, मतलब कि एक तरह से झकझोड़ के रख दिया पूरा यूट्यूब कम्युनिटी को और वीडियो कम्युनिटी को। जो भी स्ट्रीमर्स है, गेमर्स है, या कोई भी अपना इंडिपेंडेंट कुछ डालता है वीडियो यूट्यूब पे, उनके लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है। डेडलाइन है 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक ये पॉलिसी पूरी तरह लागू हो जाएगी। तो आखिर ये है क्या यार, झकझोर के क्या रख दिया है, इसका बेनिफिट क्या है, और मेरे को जरूरत क्या पड़ गई यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो चलो यार, सबसे पहले अपन लोग रुख करेंगे उस यूट्यूब के ट्विटर पे। ट्विटर पे है, कल रात को ये ट्वीट आया कि इट शुड बी इजी टू नो व्हेन यू आर फाउंड द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एज अ क्रिएटर, आर्टिस्ट, ब्रांड और पब्लिक फिगर। सो इन लेट अक्टूबर वी आर अपडेटिंग वाट इट मीन फॉर चैनल टू बी वेरीफाइड विथ न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अ न्यू लुक। यानी कि अगर आप यूट्यूब पे क्रिएटर हो, क्रिएटर मतलब जो गेम्स वेम्स के वीडियो या बाकी सब वीडियो बनाते हैं, आर्टिस्ट यानी कि आप जैसे कि गाना वाना चलाते हो, बैंड वैंड आपका है, अपने गाने होने हैं जो बहुत सारे लोग डालते हैं, म्यूजिशियन हो, म्यूजिक हो जी का, उसको आर्टिस्ट के अंदर डाला जाता है। ब्रांड मतलब ब्रांड प्रमोशन, जैसे एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और पब्लिक फिगर जैसे कि प्यूडीफाई हो गया, पब्लिक फिगर मोदी जी हो गए हमारे, विल स्मिथ हो गया, बड़ा बहुत बड़ा एक्टर है। तो इस तरह के लोगों को ऐसे चार कैटेगरी में यूट्यूब ने बांट के रख दिया है। चार कैटेगरी में भाई साहब बांटा हुआ है। तो इन चार कैटेगरी का अलग अलग हिसाब से ये होगा। अभी आप ये वीडियो ये देखो, ये जिप फाइल देख रहे हो, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जिप थोड़ा सा बड़ा हो जाए, नहीं बड़ा हो रहा। तो अभी एक जिप फाइल में देखो, यहाँ पे ये डॉट का निशान आ रहा है, डॉट नहीं, वो टिक का निशान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेरीफाइड हो जाओगे ना, आपका चैनल वेरीफाइड है, तो आपके चैनल के नाम के आगे, जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स है, आपका नाम हो सकता है एक्स वाई जेड हो, एक्स वाई जेड के बगल में ये सही का निशान आएगा। इसका मतलब आप वेरीफाइड हो। वेरिफिकेशन से क्या अंतर है, वेरिफिकेशन से ये बेनिफिट है आपको कि आपको पेमेंट अच्छी मिलेगी, आपके यूट्यूब पे कोई भी स्ट्राइक स्ट्राइक जल्दी आएगा नहीं, और बाकी कोई चीज़ जल्दी आपको कंटेंट क्लेम नहीं कर सकता है वो वेरिफिकेशन के अंदर। ये अगर वेरीफाइड हो तो आपको ये सब चीज़ों की लिबर्टी मिलेगी। आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है, अगर कोई आपका कंटेंट कॉपी करता है और आप उस पर क्लेम करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको एक टाइम मिलता है, आप मतलब पार्टनर, एज अ यूट्यूब पार्टनर काम कर रहे हैं। तो आखिर इसमें बुराई क्या है यार, इसमें बुराई क्या, आखिर यूट्यूब बहुत अच्छा कर रहा है, बुराई क्या, बुराई की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये डिटेल्स है, डिटेल्स में अगर आप जाओगे, बाद में वापस इस पेज पे आऊँगा, जो भी है देखते हैं, बाद में पेज पे आएंगे। ये कई हजार लाखों कमेंट इसके नीचे आ चुके हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कितने कमेंट आए, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर है क्या। तो चलो, ये पेज जो है आ गया, इनका जो है नियम कानून है, नियम कानून की पेज है। आपको पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। अभी ये कहता है क्या कि आपको है ना, आपको वेरिफिकेशन का सिंबल लेना पड़ेगा यूट्यूब से। यूट्यूब सिंबल कैसे लेगा, पहले तो ये था कि चलो 4,000 मिनट हो गया, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, मिल गया। अब यूट्यूब का कहना है कि भाई आप उसको फर्क नहीं पड़ता आपके सब्सक्राइबर मिलियन में हो, 100 में हो, या 500 में हो, 1,000 में हो, या कोई भी हो, लाख में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि आप सेलिब्रिटी होने चाहिए। सेलिब्रिटी इन द सेंस कि अगर आप जो है सेलिब्रिटी रहोगे तभी हो पाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, पल्ले नहीं पड़ी मेरी बात। मतलब ये है कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते, एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट में जाके बोलते हो कि अरे मेरा नाम जियोनवार है, मैंने टिकट बुक किया है, तो वो क्या बोलती है, कहती है आपके पास कोई आईडी प्रूफ है देने के लिए, ताकि आप प्रूफ हो सको आप जियोनवार सफ़र कर रहे हो। तो आप क्या है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस उठा के आप एयरपोर्ट पे देते हो, तो आपको अंदर घुसते हैं और फिर बोर्डिंग पास मिलता है। वैसे यूट्यूब कहता है
कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये चैनल आपका है। आपको वेरीफाई करने के लिए यूट्यूब से बाहर की दुनिया में आपका खुद एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, तभी आपका चैनल वेरीफाई होगा। और वो तब कंसीडर किया जाएगा जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो भाई अभी अच्छी बात है बुरी बात है ये पता नहीं, लेकिन अगर यूट्यूब पे आपको करियर बनाना है तो आपको यूट्यूब से बाहर आपकी करियर बनानी पड़ेगी, जिसमें आप मैगजीन में आ जाओ, या बहुत बड़ा आपका वेबसाइट हो जिसमें आपको बहुत सारे फॉलोअर्स हो, या ट्विटर पे आप मतलब वेरीफाइड क्रिएटर हो, वेरिफिकेशन मिला हुआ है। अगर ट्विटर पे आप वेरीफाइड हो तो आपको यूट्यूब वेरीफाई कर देगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब जैसे वो है फेमस बन के बैठे हुए हैं टिकटॉक वाले, तो भाई वो उनमें नहीं आ सकते, वो आर्टिस्ट के रूप में नहीं माने जाते हैं। तो अभी सीन क्या है कि भाई आपको यूट्यूब चैनल पे पैसे अर्न करने के लिए आपको 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, और प्लस आपको उसके साथ साथ आपका ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक क्या यार इसको सॉरी यार बोलता है, यानी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि डज दिस चैनल बिलोंग टू द रियल क्रिएटर, यानी कि जिस बंदे ने बनाया है, जिसके नाम पे चैनल चल रहा है, ये उसका है या किसी और का है। ये आपको ऑथेंटिक करना पड़ेगा, इसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा यूट्यूब को कि भाई ये चैनल जो है मेरा ही है। ये प्रमाण कैसे आएगा? ये प्रमाण बाहर से आएगा। बाहर से आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, ये देख मेरे ट्विटर पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे 10 लाख फॉलोअर्स है, तब ये बोलेगा यूट्यूब की हाँ भाई ठीक है, ये बंदा फेमस बंदा है तो इसका चैनल वेरीफाई करो। बैकस्लैश बता दिया आपको क्या है। तो अभी आखिर ऐसा नियम बनाने की क्या जरूरत पड़ी यार, नियम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो मैं एक छोटा सा एक क्लिप लेता हूँ, यहाँ पे क्लिप नहीं एक जवाब है यूट्यूब का। यूट्यूब ने यहाँ पे बोला है, यूट्यूब कहता है कि ये देखो यूट्यूब का यहाँ पे एक ट्वीट है, बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये क्या फालतूगिरी चल रहा है यार, ये क्या है, व्हाट इज दिस। बहुत सारे लोगों ने मतलब कल रात से ही बाढ़ आ रखी है ट्विटर पे कि भाई ये क्या फालतूगिरी है, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इन लोगों ने बोला अभी इट वॉज नॉट अबाउट एग्जैक्ट सब काउंट, हैविंग अ लार्जेस्ट कम्युनिटी इज वन पार्ट, अदर फैक्टर इज अराउंड ऑथेंटिसिटी एंड प्रोमिनेंस सच एज बींग हाईली सर्च्ड, हैविंग पोटेंशियल टू बी कन्फ्यूज विथ चैनल सिमिलर नेम्स एंड मोर हियर। इनका कहना मतलब ये है कि आप रियल पर्सन हो, आप प्रसिद्ध हो, आप फेमस हो, आपके ऊपर लोग सर्च करते हो, तब जाके प्रूफ होगा कि आप रियल ओनर हो इस चैनल के। बात समझ में आई मेरी? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि YouTube क्या चाहता है? YouTube कहता है कि आप अगर हीरो हो कहीं के, आप प्रसिद्ध हो, आप फेमस हो, तभी जाके आपका चैनल जो है हम क्रिएट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे हो यार, निकल गली से भाई, इधर कोई काम नहीं है तेरा। सिंपल सी बात है, छोटे हो भाड़ में जाओ, YouTube का ये सोचना है, भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। तू फेमस बंदा है, तेरे को ट्विटर पे 10 लाख फॉलो करते हैं, तेरे को इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलो करते हैं, यू आर स्टार, आपका स्वागत है YouTube कम्युनिटी में। ये इनका ये कहना है। इनका ये भी कहना है कि ये सब चीज़ें जो है इंप्लीमेंट जो करी है इन लोगों ने, इसलिए करी है क्योंकि कम्युनिटी और कुछ बंदों से हमने बात करी है, उस हिसाब से हमने किया है ये चेंजेस। मेरे को वो कमेंट एक्चुअली मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, बैक जाने दो, शायद आ जाए। वो कमेंट उनका था, एक किसी यूट्यूब ने बोला था कि रुको मैं तुम लोगों के साथ पढ़ा, इन्होंने बोला था कि हमने कुछ कम्युनिटी के डिमांड से बात किया है, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आया कम्युनिटी कौन से बंदे थे जिनके डिमांड पे ये सब चीज़ें हुई है, आई डोंट नो भाई। यानी कि अगर बड़े ब्रांड हो, एप्पल की तरह हो, माइक्रोसॉफ्ट की तरह अगर हो, आप बहुत बड़े ब्रांड हो, तो आपको आराम से स्पेस देगा, आपका पूजा करेगा यूट्यूब। अगर आप नहीं हो तो पूजा नहीं करना पड़ेगा। तो अब इतना ध्यान रखना कि यूट्यूब पे करियर बनाना है तो आपको पहले अपनी करियर बाहर इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो भाई यूट्यूब पे आपका कोई जगह नहीं है। YouTube ने सीधा सीधा बीच वाली उंगली सबको दिखा दी है कि भैया ये ले लो भाई। तो ये देख लो, ये एक पोस्ट कल रात को आया है, कल इंडिया के हिसाब से करीब 1:30-2 बजे के आसपास आया था।
हाँ 1-1.5 बजे के आसपास आया था, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब को, तो इसलिए मेरे को फटाक उसी में ट्वीट आ गया था इनका। उसके बाद से देख लो ये लोगों को रेज है जो बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। चलो ये तो ट्विटर की बातें हो गई भाई, चलो ठीक है। बाकी जो ये बाकी लोग क्या बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं, बाकी लोग जैसे द वर्ज है, बहुत बड़ा वो मैगजीन है यूएस का, उन लोगों ने भी यही चीज़ें यहाँ पे अपना न्यूज़ रिपोर्ट में कोट किया है। आज 19-20 तारीख है ना, कल का है, कल रात को 1:30 बजे इन्होंने पोस्ट किया है कि यूट्यूब क्रिएटर्स में लूज वेरीफाइड बैजेज एज अ कंपनी मेक वेरीफिकेशन प्रोग्राम इवन स्टिकर स्ट्रिक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने वही किया है, बोला है कि भैया लोगों ने के पास मेल आने शुरू हो गए हैं, लोगों का जो बैच है वो वेरिफिकेशन खत्म हो रहा है, ये हो रहा है। आखिर ऐसी बनाने की पॉलिसी जरूरत क्या पड़ी यार, आखिर क्यों पड़ी जरूरत? ये इसलिए पड़ी कि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं अपने इंडियंस में ही यार। अगर तुम ये एक सर्च करता हो, एक नॉर्मल से एक सर्च करता हो डायनेमो गेमिंग का, सॉरी डायनेमो गेमिंग जो है उनका, मैं वीडियो सर्च करता हूँ डायनेमो गेमिंग का, मैंने वीडियो सर्च किया और मैंने फिल्टर किया, ठीक है। अभी सीन क्या है, डायनेमो गेमिंग है, ठीक है, डायनेमो गेमिंग का मैंने सर्च किया है, 5.1 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है डायनेमो भाई के, ठीक है। अभी क्या है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, अभी आप समझने की कोशिश करो। ये जो चोर लोग हैं ना, चोरी जो करते हैं, दूसरों का नाम चुरा के उनके वीडियोस डालते हैं ना, ये बहुत बड़ा पंगा है। इसी कारण पिछले महीने ट्विच ने जितने भी नए अकाउंट थे सबको बैन किया था, उन लोगों ने जितने भी नए थे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग नाम से दूसरे स्ट्रीमर्स के नाम पे उन्होंने चैनल बना लिया था। एक्सक्यूज मी गाइज, तो अभी देख लो डायनेमो बहुत फेमस है इंडिया में। देखो डायनेमो के नाम पे एक, देखो यहाँ पे एक दूसरा चैनल है, नाम नहीं लूंगा, कोई सी गेमर है भाई, उसका यहाँ पे वीडियो बना हुआ डायनेमो के नाम से। और ऐसे ये देखो यहाँ पे डीजी गेमर, बहुत सारे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन एरा, रिकॉर्ड ब्रेक, फेक डायनेमो, ये सब इस तरह के वीडियोज जो है ना, ये सब देखो गेमिंग ओ, ये इस तरह के जो वीडियोज है जो लोग डाल रहे हैं, दूसरों का चैनल का कॉपी कर रहे हैं ना, उसके चक्कर में ये सब चीजें हुई है। अभी चैनल पे जा रहा हूँ डायनेमो गेमिंग का, ये देखो डायनेमो गेमिंग का देख रहे हो चैनल है, ओरिजिनल चैनल, ये वेरीफाइड, इससे पता चलेगा ये बंदा ओरिजिनल है। तो ये इनका कहना मतलब यही है कि यही रीजन है कि हमने ऐसे पॉलिसी लेके आए, ये वेरीफाइड टिक मार्क वाला ओरिजिनल डायनेमो है। अभी देख लो डायनेमो नाम से कितने हैं, तो ये जो चोर जो लोग है ना, ये चोर लोग, इन लोगों के कारण है ना यूट्यूब ने ऐसा फैसला लिया, ये चोरी का जो कंटेंट यूज करते हैं ना दूसरों का, उन लोगों के कारण। देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल डायनेमो है, किस पे सही का निशान आ रहा है, 5.1 मिलियन है, ये देख लो एक ही तरह के, देख कितने हैं कितने हैं कितने, नाम तक यार कमीनों ने नाम तक ये कर रखा है डायनेमो गेमिंग, और नाम तक, क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से यार आप एक नाम दूसरा कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख देख रहे हो सोल मॉडल का, चलो एक काम करते हैं, मॉडल का, सोल मॉडल का मैं टाइप करता हूँ, तो ये रीजन है यार, ये खुद ही तुम लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। देख रहे हो सोल मॉडल, ये देखो ये बंदा 14 वीडियो के साथ सोल मॉडल, इतने बड़े कॉपी कैट लोग हैं, अपने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चलता है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ अपने बंदों को, ठीक है। इतने बड़े कॉपी कैट है, ये देख 11,000 तक पहुंच गया नकली सोल मॉडल, असली वाला ये, क्योंकि इसके ऊपर जो है लगा हुआ है, उसने अपना नाम मॉडल रख लिया था बाद में, पहले सोल मॉडल के नाम से आता था। तो ये सब चीजें हैं। एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि गूगल, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेज में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के, गूगल टू पे $170 मिलियन फाइन फॉर शेयरिंग यूट्यूब किड्स डेटा। समझे नहीं समझे, गूगल को 5 सितंबर को फाइन पड़ा है $170 मिलियन का। यूएस की कोर्ट एफटीसी जो होती है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उन्होंने गूगल को फाइन मारा $170 मिलियन का, यानी कि 12 करोड़ रुपए, अगर हिंदुस्तानी रुपए में काउंट करोगे 12 करोड़ रुपए, ठीक है 12 करोड़ रुपए। ये वायलेटिंग गूगल इज फाइंड 170 मिलियन, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये टेक्नोलॉजी का है, टू वायलेटिंग
चिल्ड्रन प्राइवेसी, ये चाइल्ड लोगों पे जो था ना, प्रोवोक प्रोवोक वाले वीडियोस बनाते थे और छापा छुपी करते थे इधर उधर कि किड्स के नाम पे वीडियो बनाया और उसके बाद पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें उकसाया जाता है किड्स को कि ऐसी हरकतें करो, ऐसा बिहेव करो। उस पे इन लोगों ने 170 मिलियन का इन्होंने मारा फाइन, आप समझ रहे हो बात, 170 मिलियन डॉलर्स। तो इसके बाद से ही यूट्यूब जो है तिलमिला गया था, इसके बाद से ही यूट्यूब, सॉरी ये क्या ऐड है, इसके बाद से ही यूट्यूब तिलमिला गया था कि भाई अपन अपने लोगों को अभी इन लोगों पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस कारण से ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है कि 12 करोड़ रुपए का इसको फाइन पड़ा है यूट्यूब को, लोगों के गलत व्यवहार के कारण, उसका प्लेटफॉर्म मिसयूज करने के नाम पे उनका व्यवहार पड़ा था। उसमें 170 मिलियन जो था, 170 मिलियन का जो पड़ा इनको, अभी क्या बोलोगे यार, 12 करोड़ रुपए, क्योंकि वो दूसरे बंदे थे, दूसरे बंदे लोगों के कारण थे, आप समझ रहे हो। तो अभी ये बेचारे के पास पूरे पैसे कहाँ से आएंगे, गूगल पागल हो गया, यूट्यूब पागल हो गया कि अभी हो क्या रहे, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये डिपेंड यार, ये सब चीजें जो है ना भाई, ये सब सब्सक्राइबर लोगों की गलती है, पैसे छापने के चक्कर में किसी के कंटेंट कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो, सब इसी का खामियाजा है यार, उसी का खामियाजा है, उसी उसी रीजन से ये सब हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है पैसे कमाने, अमीर बनना है। ये बंदे को देख लो, एक बंदा बेचारा, ये देखो, उसने उसका देखो कल का उसका ट्वीट है, डूड आई एम फ्रीकिंग आउट, यूट्यूब जस्ट सेंड मी एन ईमेल अबाउट वेरिफिकेशन। इस बंदे का 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है एंथनी रूसो का, इसको भी मेल आया कि भाई आप बिलोंग नहीं करते यूट्यूब कम्युनिटी से, आई डोंट केयर, 1 मिलियन होगा तेरा, होगा घर पे, बट उनका वेरिफिकेशन का मेल आया। तो ये सब लोग पागल हो रखे, अभी कैरियर बनाना है यूट्यूब, नहीं भाई कैरियर स्टार्ट करने के लिए नहीं है भाई, ये देखो लोग कमेंट्स पड़े पड़े हैं, लोग कमेंट पड़े हुए हैं। तो ये सबसे खतरनाक वाला जो था अभी तक का सबसे खतरनाक वाला गूगल ने दांव फेंका है, सबसे खतरनाक वाला, कि भाई देख लो क्या करना है। और मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई अभी यूट्यूब वीडियोस के बारे में सोचना चाहते हो बनाने के लिए, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, अभी फिलहाल बैठे रहो, देखो ये पॉलिसी बाद में हो सकता है चेंज हो, नहीं हो, आई डोंट थिंक कि यार चेंज होगा, तो अभी तो मैं ये राय नहीं करूंगा और देखता हूँ ये रिवर्ट बैक होगा कि नहीं होगा। लेकिन भाई गूगल को 12 करोड़ रुपए का जुर्माना पड़ा है, तो भाई वो रिवर्ट बैक होना मेरे को लगता है मुश्किल है। तो चलो गाइज, यही चीजें बतानी थी, यूट्यूब का नया खतरनाक वाली पॉलिसी, और स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में, अपना कंटिन्यू करेंगे। वैसे मेरे को तो शुक्र है कि मैं भाई यूट्यूब से ज्यादा अपना फोकस ट्विच पे करता हूँ, ट्विच इज द बेटर प्लेटफॉर्म। एनीवे यार चलो आगे बढ़ते हैं, चलो पीस आउट गाइज, जरा इस बारे में गूगल करके अपनी भी जानकारी ले लो, हो सकता है मेरे से कुछ चीजें गलत मैंने बोल दिया हो, तो आप अपने हिसाब से भी ये कर लेना। चलो बाय बाय गाइज, पीस आउट।